मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ अंदर जाके जैसे मैं दुबई आ गया हूँ। देख लो मुंह, देख लो इनका क्या हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। प्रॉपर नौचंदी का व्लॉग है, आपको हर चीज दिखाएंगे आज इसमें कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते। और ये कौन है? ओ तेरी। बढ़िया, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे कम से कम सुअरों की तरह जो लोग मांगते हैं। चलो मैं तुम्हें यहाँ का प्रॉपर व्लॉग दिखाता हूँ क्या क्या है नौचंदी में आज, तो आप जुड़े रहना और देखना हमारे यहाँ नौचंदी लगती है उसमें क्या क्या होता है। और जो मेरठ के हैं लोग वो तो जानते ही होंगे। मेरे संग है प्रणव त्यागी फ्रॉम मेरठ, और अविरल भैया और तन्वी अंदर मिलेंगे हमें। मैं स्कूटी का ताला लगा देता हूँ। नौचंदी का आगे का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर पेशाबों की, इतनी अच्छी वो आ रही है फ्रेग्रेंस, इतनी गंदी बदबू भयंकर। नाम जल अच्छी की ली हो गई सुनते में है। अबे यार पापा सगाई वाली कैन मत रखना यार, इतनी बड़ी कैन रख दी अंकल ने लगा रखी थी। पापा ने मेरे लगवा रखा चूती है, हमने इस नींव रखी थी, इसके बाबा ने रखी थी इसकी नींव। अच्छा, जब से लगता है बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की फेमस चीज। एक तो ये हरिद्वार वाला हलवा पराठा, बेहतरीन देसी घी का, और एक इनकी चुस्की। अगर आप कोई आ रहे हो तो टेस्ट करना वीर सिंह की चुस्की और हरिद्वार वाले का क्या बोलते हैं हलवा पराठा, बेस्ट है बेस्ट। तुम्हें मजा आ जाएगा हलवा पराठा खा के। आई बैठ यू गाइज, तन्वी वो बैठी तन्वी और भैया। अब मैं गाली देने वाला हूँ तो अपना ये म्यूट कर लो या जैसे भी चाहो वैसे कर लो। भैया देखो इसमें तो गाली देनी पड़ेगी, मैंने कराया मगर मैंने सिर्फ बकचोदी के लिए करा था, पर ये जो चूतिया लोग हैं झाटू ये काम करते हैं यहाँ पे आके, बावले चोरे गरीब साले। डार्क हो गया गाइस सॉरी, मतलब सोच से गरीब बता रहा हूँ मैं, वैसे से पैसे से जज नहीं कर रहा, सोच से गरीब। गाइस तोला खड़ा है, मैंने टोले को पकड़ लिया गाइस। ये बहुत बदतमीज मेरा स्कूल का फ्रेंड है टोला, मेरा भैया टोले। हाउ आर यू माय ब्रो, व्हाट्स अप भाई। मैंने तुम्हें उस दिन दिखाई थी ना नौचंदी कैसी खाली पड़ी थी, अब देख लो एक बार। मैं कह रहा था ना ये तुम्हें पैर रखने की जगह नहीं मिलने की, ये देखो भाई ये देख लो मौत का सौदा। ओ फक, मुझे कोई 1 करोड़ रुपए देगा मैं माँ कसम ना झूलूं, देखना ओ हो जाएगा आदमी 100% भी हो जाएगा, तू झूल लेगा तू। सुन अभी 10,000 रुपए नगद दूंगा, मेरे मुंह में मूर्ति अगर ना दूं झूल मैं झूलाऊंगा। चल टिकट कटवा इसका, चल जा यहां से कटेगा, यू कह रहा मैं झूल लूंगा मेरे नौचंदी के टॉप 5 झूले। हां हो जाएगा आदमी 100% भी हो जाएगा, तू झूल लेगा तू। देखो इस वाले का मुंह देख लो, लोंडे का मुंह देख लो, मुंह देख लो इनका क्या हो गया है, इसे देख लो बीच वाले को। मैं बोल तो रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट इस बार बहुत छोटा लगा है मौत का कुआं, ये देख लो। पहली बार मेरठ में दुबई जैसी फिश टनल, क्या बोलेंगे इसे, बदबू आ रही है फिश टनल में। कहीं ना आ रही मुझे बदबू, मुझे तो आ रही बदबू, मुझे तो नहीं आ रही, तुझे ज्यादा आ रही है। बाद मारा था मैंने अभी चूतिया, ले भाई ले दुबई डाल दे इस पे, दुबई डाल दो, दुबई लिख के डाल दो। यहाँ से भी कुछ उठा रहे हो बेटी, बेटी कोई बंगाली ने देख ले, कोई बंगाली ने देख ले खा लेगा एकदम, सारे मुंह खुले हुए क्या। चलो कुछ तो नया लाए नौचंदी में, भले ही नॉर्मल है मगर कुछ तो नया आया। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी, बढ़िया ब्लॉग्स में मछली आ गई, बहुत ही बढ़िया जी, मजा आ गया, दिल लग रहा मुझे, ऐसा लग रहा। मैं एक बार अपनी शक्ल दिखा देता हूँ, मुझे कितना पसीना आ रहा है देखो, पसीनों में लगभग, और बढ़िया चीज है कोई बात नहीं, लोगों को नया देखने को मिला कुछ। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते दुबई हमारे जैसे गरीब बच्चे, यो यहाँ पे आके खुश हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया जी, चलो भैया ले भाई, इस मछली का नाम बता देना कोई मुझे। ओ ये क्या है, बहुत ही सुंदर है, तो सिंगाड़ा है, बढ़िया है भैया। चिराग भाई देखो इसका वो बच्चा में वहाँ मिला था, ये वाली मछली छोटी वाली गोम मिली थी आज, तुम नहीं गए थे, मैं गया था वहाँ, तुम गो गए थे, ऐसी मछली मिली थी मुझे ना सेम छोटी, तो बहुत बड़ी है भाई ये भाई तगड़ी। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ अंदर जाके जैसे मैं दुबई आ गया हूँ।
भाई मतलब कुछ तो चलो नया है भाई, ऐसा कुछ ऐसे मेरे टायर डिसअपॉइंट मत करो किसी बेचारे को, बहुत मेहनत से बनाया लोगों ने, बट आप एक बार विजिट कर सकते हो, कर सकते हो, मगर भीड़ बहुत है। नहीं आ जाओ, सही है यार, ठीक है, देसी लोगों के लिए बढ़िया है, नाइस। सैटरडे नाइट यहाँ पार्टी बजती है, टेक्नो बढ़िया है यहाँ, बढ़िया सिस्टम लगता है, आदमी बजते हैं बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। चलो ओए बे वो ये अपने पति से कहती है कि पूछो ना ये पूछो ना। तो मैंने कहा मैं समझ गया कुछ क्या पूछना चाह रही है, तो राधिका खुद कहती है एक्सक्यूज मी आप इनक्रेडिबल मेरिट वाले आप ही हो, तो मैंने कहा नहीं, कहती है मैंने कहा हाँ कह रहे थे बढ़िया जी बढ़िया। चूतिया हो गया चूतिया, बढ़िया जी बढ़िया। तो भाई लो तुम्हें पूरा मेला दिखा देते हैं, यहाँ से भीड़ दिखा देते हैं, प्रॉपर झूले दिखा देते हैं, ये लो हम आ गए मौत के कुएं पे, दिल टूट जाता है, ले भैया ले सिस्टम, अब हमें मौत के कुएं में, ये देख लो भैया तन्वी और वो सब वहाँ खड़े थे, कहाँ गए वो, खड़े सामने, वहीं जा रहा हूँ मैं अभी, अभी दिखाता हूँ आपको ये सब। देखना भाई जो कैसे बैठा हुआ है, जो कैसे बैठे हुए हैं, और मिलवाता हूँ, देखो देखो क्या हरकत कर रहे हैं, एक बारी में दे दो पैसे, में देख लो ये कुत्ते, ये देखो लेंगे ही नहीं इससे, वो लेंगे ही नहीं इससे, लेंगे ही नहीं ये बार देख लो भाई सिस्टम देख लो, ये है यहाँ पे मेन मंदिर जो है ये, और नौचंदी जिस नाम पे बनी हुई है ना, नौचंदी देवी का मंदिर पीछे की साइड है, बढ़िया बहुत बढ़िया जी। मैं नहीं जा रहा भाई, तुम जाओ पानी ले ले ऊपर, कभी तो प्यास लगने लगे। चलो गाइस मैं नहीं झूल सकता, मैं डरता हूँ, देखो आपको सच बताऊँ तो मैं हवाबाजी नहीं करता कामों का, कि नहीं मैं वो नहीं करता, मतलब जैसे जिम में ईगो लिफ्टिंग करता है ना, तो मैं ऐसे नहीं दिखाता हवाबाजी, नहीं दिखाता भैया, जो नहीं बस की वो नहीं, ये चारों जा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ पीछे, बढ़िया बढ़िया ही खड़ा रहूँगा भाई मैं तो, यहाँ इन बच्चों को देखूँगा, बेहतरीन जी बेहतरीन, बढ़िया जी बढ़िया। अब मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है क्योंकि इतना सा बच्चा भी झूल रहा है, अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ बेचारा, सही से ये भी चढ़ा हुआ है झूले पे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए हमारे वाले, कहाँ हैं हमारे वाले, कहाँ हैं, ये रे प्रणव हो रही है, तन्वी हो रही है, बढ़िया जी बढ़िया। अभी दोबारा दिखाता हूँ, रुक जाओ, ज़्यादा तेज हो गया, तुम एकदम देख लेना मैं जैसी बोलूँगा, ये रे तुरंत देख लेना, मुझे बिना दिख रहे भैया, अब तो मुझे बिना दिख रहे, तुम्हें क्या दिखेंगे। गाइस हम ये वाला झूला झूलने जा रहे हैं और दिव्यांशु नहीं जा रहा हमारे साथ, देखो वो खड़ा, वो व्लॉगिंग कर रहा है, कह रहा है मुझे बहुत डर लगता है मैं नहीं जाने का, देखो व्लॉगिंग कर रहा है, इसे नहीं जाना, और हम चारों जा रहे हैं। गाइस हमारा झूला शुरू हो गया, वो वहां पे खड़ा है, ये देखो अब दिखाती हूँ मैं कि कहाँ पे खड़ा है, ये रहा।
अगर तुम पिछले साल वाला व्लॉग देखोगे जाके तो आपको दिखेगा जो ये वाला झूला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लोगों ने तह उल्टी मार रखी थी। देखना क्या है भैया, यहाँ तो अलग ही सिस्टम चलता है भाई। बताओ जी, ये देखो, ये रहे गाइस, ये रहे चिराग भाई, प्रणव, बोरे, विरल भैया और तनवीर। देखो तभी जी कर रहे हैं, चोर कर दी कर रहे हैं। गाइस मैं कभी बचपन में खाया करता था ये, और वैसा ही टेस्ट है आज भी इसका। तन्वी कैसी लग रही है? वैसा ही टेस्ट है, बहुत प्यारी टेस्टी। आप आ सकते हो खन्ना, ये पे ये है झांपे वाले झूले लग रहे हैं ना मंदिर के सामने, खन्ना यहाँ पे आ सकते हो। चॉकलेट भी होगा, चॉकलेट फ्लेवर भी है ना, चॉकलेट फ्लेवर भी है, बहुत ही बढ़िया जी, बड़ा मजा आ गया। गाइस जब भी हम आते हैं यहाँ पे नौचंदी में तो हम मुल्ला जी के पास जरूर आते हैं, इनकी भेलपूड़ी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया। इसे देख लो कैसा खड़ा, ऐसे ही गंदा ही है साला।